Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing motion and this is lecture number 5. I hope you have already watched part 1 to part 4 before watching this part 5. इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में और ग्राफ से क्या मतलब निकल सकता है ये सब सीखेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज सबसे पहले ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ में किसका क्या मतलब है। तो शुरुआत करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। हालांकि ये पहले थोड़ा चर्चा किया है लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो नहीं बताई थी, आज उसको बताएंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ्स में वेलोसिटी का कंसेप्ट आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये देख, ये अगर ऐसा है कोई तो पोजीशन को हम डिस्टेंस x से मेजर करते हैं। ये x है, बढ़ रहा है, डिस्टेंस है बेसिकली, और ये है टाइम, टाइम इधर की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर हमने जैसा कि बताया था कि आप में आपको कि ये पोजीशन इसमें फिक्स्ड है, समय के साथ पोजीशन नहीं बदल रहा, इसमें एक सेकंड बाद भी जब आपने ऑब्जर्व किया तो भी वही था, एक सेकंड बाद भी वही बॉडी है, दो सेकंड बाद भी वही बॉडी है, तीन सेकंड बाद भी वही बॉडी है, चार सेकंड बाद भी वही बॉडी है। तो इसको हम कहते हैं कि बॉडी इज इन रेस्ट। अब बॉडी इज इन रेस्ट का मतलब हुआ कि वेलोसिटी जो है उसकी जीरो है। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इज इन रेस्ट, और रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। और वेलोसिटी कैसे पता चलता है? कि वेलोसिटी जो है वो स्लोप से पता चलता है। स्लोप किसके साथ होता है? स्लोप होता है विद एक्स एक्सिस। स्लोप विद एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी। एक्स एक्सिस मतलब यहाँ टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब टाइम एक्सिस। स्लोप विद एक्स एक्सिस दैट इज टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी ठीक है। तो अगर स्लोप ये है, हर एक पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पर स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी देगा, तो एक्स एक्सिस के साथ स्लोप कैसे होगा इसका? तो जीरो होगा स्लोप। यहाँ पे स्लोप क्या होगा? जीरो। स्लोप को आगे पढ़ोगे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है यहाँ पे जीरो। तो स्लोप होता क्या है? स्लोप मतलब ढाल। आप ये समझ सकते हैं कि कहीं पर भी बॉडी का स्लोप निकालना है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, तो दो पैरेलल लाइन है अगर, तो ये एक्स एक्सिस के साथ इसकी इंक्लिनेशन कितनी है, इनके बीच में कितने का एंगल है? जीरो। इसलिए ये इंक्लिनेशन इनकी जीरो है तो स्लोप जीरो है। वैसे स्लोप आप 10th क्लास में जाएंगे तो पता चलेगा, अभी तो 9th क्लास में है तो इतनी बात नहीं बताई गई है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता, लेकिन अगर जानकारी के लिए बता देता हूँ, स्लोप को डिफाइन करते हैं टैन थीटा से। टैन थीटा से, थीटा जो होता है वो एंगल होता है मेड बाय, थीटा इज एन एंगल मेड बाय लाइन विद एक्स एक्सिस, मेड बाय लाइन विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस। ये अभी आप आगे जाके सीखेंगे, अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि एक्स एक्सिस के साथ ये जीरो बना रहा है, इसलिए इसकी स्लोप क्या है? जीरो। और स्लोप जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो स्लोप का मतलब हुआ वेलोसिटी। हम इसमें ये सीख पाएंगे कि किसी का भी स्लोप अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा। स्लोप का मतलब हुआ, स्लोप इंप्लॉयज वेलोसिटी ऑफ बॉडी। किसी भी पॉइंट पे स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। कहां पर? तो इन पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक और ग्राफ लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए कि हमने ऐसा लिया, ये टाइम एक्सिस, और दो बॉडी की कंपैरिजन करी, ये टाइम एक्सिस है, ये पोजीशन है एक्स, और दो बॉडी की बात करी हमने। यहां से एक बॉडी ए है, समझने के लिए इसका ये, और एक बॉडी जो है उसकी ग्राफ ऐसा, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा, ठीक है। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी। तो ऐसी स्थिति में ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, किसका स्लोप ज्यादा है? स्लोप होता है कि जो एंगल बनाए एक्स एक्सिस के साथ, यानी टाइम एक्सिस के साथ,
तो टाइम एक्स साथ ये एंगल बना रहा है और ये एंगल थीटा वन, और ये बना रहा है एंगल थीटा थीटा टू बना रहा है। 0 से 90 डिग्री, यहां से यहां तक 90 डिग्री होता है। अब थीटा टू थीटा वन से बड़ा है, तो आप इतना समझ लीजिए कि स्लोप जो है, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए। यानी इस ग्राफ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बी की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी से क्या है, ज्यादा है। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उस वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब इस ग्राफ में ये बॉडी रेस्ट में है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जैसे जैसे टाइम यहाँ पे ये था इस बॉडी का, तो पोजिशन ये था। आज टाइम ये आ गया, तो इस पोजिशन का, बॉडी का पोजिशन ये आ गया। टाइम ये है तो बॉडी का पोजिशन ये है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे बॉडी का पोजिशन रेफरेंस पॉइंट से बढ़ता जा रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। पिछली क्लास में बता दिया था, इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, यानी जहां से हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस बॉडी का पोजिशन बढ़ता जा रहा है, आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। तो बॉडी मोशन में होगी, रेस्ट में होगी, तो उसकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी। मोशन में होगी तो उसकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन वो इंक्लाइंड होगी ऑन टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे इंक्लाइंड होगी, तो ये कुछ ना कुछ होगा तो हम कहेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पूरी तरह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्लोप जो है वो फिक्स्ड है। स्लोप फिक्स है तो उसको हम कहेंगे कि उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इसमें बॉडी ए की स्पीड और बॉडी बी की स्पीड, दोनों की स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्पीड इसको कह सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। पोजीशन टाइम ग्राफ में ये दोनों यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ बॉडी ए की भी चाहे बेशक वो स्लोअर है, लेकिन उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है और बी की स्पीड भी यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ। इस तरह का ग्राफ जो होगा तो यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप सोचेंगे कि तो वेरिएबल स्पीड को ग्राफ, पोजिशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? अगर वेरिएबल स्पीड की बात करें तो वेरिएबल स्पीड की जो होगी ग्राफ, वो ऐसा होगा। ये है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ किसका? तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। यहाँ पे टाइम अलग है तो पोजीशन भी बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल पोजीशन नहीं बढ़ रहा। ये देखिए, ये 1 सेकंड बाद, ये 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद ये जो पोजीशन में ग्रोथ हुई, 1 सेकंड में इतनी ग्रोथ हुई है, और जबकि 2 सेकंड में यहां से यहां तक इतना ग्रोथ हुआ है। तो टाइम जैसे जैसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये इतना कवर किया, और जबकि अगले 1 सेकंड में कितना कवर कर लिया, अगले 1 सेकंड में इतना कवर कर लिया। तो ऐसे हम कहेंगे कि ये स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। इसी तरह से टाइम इंटरवल छोटे भी हो सकते हैं, तो ये कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन भी कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये है। अब इसमें स्लोप जो होगा किसी भी पॉइंट पर, अगर ये एक पॉइंट है, यहाँ पे स्पीड कितनी है, बी पे स्पीड कितनी है, सी पे स्पीड कितनी है, कोई अगर आपसे पूछे कहाँ पर स्पीड ज्यादा है तो कैसे पता चलेगा? तो किसी भी पॉइंट पर स्पीड पता करने के लिए उस पे स्लोप देखते हैं। स्लोप वहां पे कितना और कितना बना रहा है। अगर स्लोप ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा होगा। अगर हम यहाँ पे सी का स्लोप देखें तो सी पॉइंट पे हमारा स्लोप ऐसा कुछ मिलेगा, है ना? सी पॉइंट पे स्लोप कुछ ऐसा होगा, है ना? ये सी पॉइंट का स्लोप है, देखो एग्जैक्टली सी पॉइंट का स्लोप ये है। अच्छा, बी पॉइंट का स्लोप अगर पता करना हो तब क्या होगा? तो बी पॉइंट का स्लोप देखिए, ये बी पॉइंट का स्लोप होगा, है ना?
बी पॉइंट का स्लोप हुआ। और अगर ए पॉइंट का स्लोप निकालना हो तो ए पॉइंट का स्लोप क्या होगा, तो ए पॉइंट का स्लोप होगा कुछ इस तरह का, है ना, ए पॉइंट का। तो ए पॉइंट पे स्लोप जो है वो ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है, ये एंगल है थीटा थ्री, यहाँ पे है थीटा टू और यहाँ पे है थीटा वन, यानी थीटा थ्री अगर थीटा टू से ज्यादा है और थीटा वन से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ थीटा बड़ा है तो स्लोप भी बड़ा है। तो स्लोप एट सी, इज ग्रेटर देन स्लोप एट बी इज ग्रेटर देन स्लोप एट ए। और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। तो ये इस तरह से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर स्लोप अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, ये कंक्लूजन निकल सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड में किसी पॉइंट पर स्लोप जो होगा वहां की स्पीड को डिफाइन करेगा। ठीक है ना, स्लोप एट एनी पॉइंट, स्लोप एट एनी पॉइंट इन पोजिशन टाइम ग्राफ, रिप्रेजेंट स्पीड एट दैट पॉइंट, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी एट दैट पॉइंट। ठीक है, यहां पे उस पॉइंट पे मूविंग बॉडी का स्पीड डिफाइन करेगा। तो अब पहले वाले में देखो, यहां पे चाहे इस पॉइंट पे स्लोप निकाले तब भी, और इस पॉइंट पे स्लोप निकाले तब भी, अब ये पी पॉइंट है वहां पर भी और क्यू पॉइंट है वहां पर भी, आर पॉइंट है वहां पर भी, तीनों जगह पे स्लोप क्या है, सेम है, क्योंकि एंगल सेम एक्सिस के साथ बना रहा है। इसी तरह से यहाँ पर अगर कहें कि ए है, ये बी है, ए डैश बी डैश सी डैश, तो इनमें भी सेम है, इसलिए चूंकि स्लोप सेम है तो स्पीड भी सेम है। कंपेरेटिव, एक पार्टिकल की स्पीड पूरी जगह हर जगह पे हर एक पॉइंट पर स्लोप क्या है, सेम है, इसलिए उसकी स्पीड क्या है, सेम है। तो हम उसको कह रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। और यहाँ चूंकि हर एक अलग अलग पार्टिकल पे स्लोप अलग अलग है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड स्लोप अलग अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पे एक ही पार्टिकल की वेलोसिटी की बात की जा रही है और यहाँ पे दो अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी की बात की जा रही है, इसलिए इनमें ये कंपेरिजन रिप्रेजेंट कर रहा है, इनमें ये कंपेरिजन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ज्यादा तेज चल रहा है कि बी ज्यादा तेज चल रहा है। इस ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ही पार्टिकल की स्पीड है, वो अलग अलग टाइम पर उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये उस पॉइंट पर स्लोप पता डिटरमिन करने से पता चलता है। स्लोप कैसे, तो वहां पे एक टेंजेंट लाइन खींच देंगे, वो उस जगह का स्लोप बताएगा। तो इस तरीके से पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें जो बातें पता चल चुकी है वो ये पता चल चुकी है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में बॉडी का मोशन पता चलता है, और मोशन कैसे पता चलता है, उसकी स्लोप से। ठीक है ना, अगर स्लोप जीरो है तो बॉडी रेस्ट में है, अगर स्लोप उसका पॉजिटिव है तो बॉडी मोशन में है। ठीक है ना, अगर निगेटिव स्लोप है तो क्या मतलब हुआ इसका, निगेटिव स्लोप का मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आ रहा है, फॉरवर्ड मोशन नहीं है, रिवर्स मोशन है। ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो अब हम स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बात करें कि स्पीड टाइम ग्राफ में क्या हो सकता है। ऐसा स्पीड टाइम ग्राफ, अगर होगा तो इसमें क्या होगा, तो इसमें या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह सकते हैं इसको। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ में अगर यहाँ पे ये लिखा है एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे, मान लीजिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन को, तो ऐसी स्थिति में इसका स्पीड क्या माना जाएगा, जीरो। स्पीड इसका, स्पीड तो फिक्स है, कांस्टेंट है, जीरो नहीं, यहाँ कुछ स्पीड भी होगी, इधर है स्पीड और इधर है टाइम, तो टाइम इधर है टी, है ना। तो ये है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड,
4 सेकेंड, 5 सेकेंड, हर एक सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी एक फिक्स्ड है, वी है, तो इसको हम कहेंगे क्या, यूनिफॉर्म स्पीड, इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, जीरो नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड बदल नहीं रहा, कुछ तो है पॉजिटिव लेकिन जीरो नहीं है, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अब स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है, जितना पहले था 1 सेकेंड में उतना ही 2 सेकेंड में है, उतना ही 2 सेकेंड में है उतना ही 3 सेकेंड में है, तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम क्या कहते थे, एक्सेलरेशन। जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, जीरो। यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक्सेलरेशन हो रही है जीरो, लेकिन ये सभी तभी संभव है जब स्पीड क्या हो, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको भी कह सकते हैं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ एक्सेलरेशन जीरो हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो सकता है। यूनिफॉर्म स्पीड जैसा पहले हमने कहा था कि बेशक स्पीड यूनिफॉर्म हो लेकिन वेलोसिटी चेंज हो सकती है, जैसे ये सर्कुलर मोशन है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे स्पीड वी है और इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पे भी स्पीड वी है लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर भी स्पीड वी है लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर भी स्पीड वी है लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग है, तो हर एक पॉइंट पे स्पीड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और ये एक्सेलरेशन किधर की ओर काम करता है, ये सेंटर की ओर फोर्स लग के काम करता है ताकि इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सके। तो हर एक पॉइंट पर जो फोर्स लगता है, यहाँ पर भी इसकी डायरेक्शन को मोड़ने के काम जो करता है वो हमेशा अंदर की ओर लगता है फोर्स, और इस फोर्स की वजह से ये जो डायरेक्शन है वो लगातार बॉडी का बदलता रहता है। तो हर एक पॉइंट पर सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, और इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, पिटल फोर्स, ठीक है ना। और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये होता है, कितना होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये सेंट्रीपिटल स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको आप चाहें तो याद कर ले, थोड़ी सी ये एडवांस नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत एलिमेंट्री है, थोड़ा सा एडवांस नॉलेज है जो अभी आपको 10th क्लास या 11th क्लास में पता चलेगा, लेकिन अगर अभी से जानते रहेंगे तो समझने में सुविधा होगी, इसलिए इसको बता दिया। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब बॉडी का यूनिफॉर्म स्पीड होगा, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड कहाँ होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन पे अगर किसी बॉडी का यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बेटर टू से कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ही हुआ कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ये जरूरी नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो एक्सेलरेशन जीरो है, अगर सर्कुलर पे है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ये बात हम कह सकते हैं। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या किसी बॉडी का यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो आप कहेंगे कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कब? जब स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रहा हो तो हो सकता है, जब सर्कुलर मोशन में हो तो बॉडी तब उसका यूनिफॉर्म स्पीड होने के बावजूद भी वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उस एक्सेलरेशन का नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो फोर्स लगता है हमेशा सेंटर की तरफ लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू एम बी स्क्वायर अपॉन आर होती है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। तो यहां पर अब ये हमें सीखना है कि अगर ये स्लोप होगा तो ये स्लोप में, यहाँ पे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, ये मान लीजिए कि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही सीधे लिख दिया,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के बजाय ग्राफ, और इसमें ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर लाइन स्ट्रेट है तो हम कहते हैं कि क्या है, कांस्टेंट है। अगर लाइन ऐसा है स्लोप वाली, तब आप क्या कहेंगे, तो इसमें जो है ये टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है। ये देखिए ये टाइम है तो वेलोसिटी ये है, इस टाइम में वेलोसिटी ये है ना, इस टाइम में वेलोसिटी ये है, इस टाइम में वेलोसिटी ये है। तो ये जैसे जैसे आपका समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वेलोसिटी भी बढ़ता जा रहा है, और फिक्स टाइम में फिक्स वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। और इसमें जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ नोट कर लीजिए, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट, दैट पॉइंट रिप्रेजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे स्लोप सेम है, इस पॉइंट पे भी स्लोप सेम है, इस पॉइंट पे भी स्लोप सेम है, इस पे भी सेम, इस पे भी सेम, तो हर जगह यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसलिए इसमें क्या कहेंगे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसमें। ठीक है ना, एक्सेलरेशन है लेकिन क्या है, कांस्टेंट, एक फिक्स एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, हर एक पॉइंट पे क्या है, स्लोप सेम। तो एक बात हमें पता चल गई कि इन, यहां पे लिख देता हूं, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप इंप्लॉइज व्हाट, एक्सेलरेशन, स्लोप एट एनी पॉइंट इज एक्सेलरेशन, नथिंग एल्स। तो ऐसा अगर हो रहा है तो एक और ग्राफ की बात कर लेते हैं, एक और ग्राफ की बात करें यहां पर, ये देखो, और इसमें भी ये स्ट्रेट लाइन हम मान लेते हैं कि यहां से वेलोसिटी जो है वो ऐसे आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वेलोसिटी है और इधर में टाइम है। यहां पे टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। देखिए इस टाइम पे वेलोसिटी उसकी ये थी, इस टाइम पे कोरिस्पोंडिंग वेलोसिटी कितनी थी, ये थी, है ना। अच्छा, थोड़ी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हो गई, ये देखिए ये वेलोसिटी होगी, ये देखा यहाँ पे वेलोसिटी, थोड़ी देर और अगर देखा तो उसकी वेलोसिटी और कम हो गई, यहाँ पे देखा तो वेलोसिटी ये हो गई। ठीक है, और ये सारी वेलोसिटी जो है लगातार कम होती जा रही है, और कम होते होते ये क्या हो रहा है, ये सब थोड़ा कट कर देते हैं। ठीक है, ये जो है, और इसकी कोरिस्पोंडिंग वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ये है, यहाँ पे वेलोसिटी और कम होती जा रही है, यहाँ पे और कम होती जा रही है, तो वेलोसिटी कम होती जा रही है टाइम बढ़ने के साथ, इसका मतलब है। और इसका स्लोप जो है वो भी ये है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा अगर स्लोप हो तो निगेटिव स्लोप माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी, इस ग्राफ को कहेंगे कि इसमें वेलोसिटी लगातार घट रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी निगेटिव, लेस देन जीरो, निगेटिव एक्सेलरेशन इसको कहते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन, और इसको कहते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। मोशन किस तरह की है जी, क्या है, कांस्टेंट है, निगेटिव एक्सेलरेशन, और ये दोनों ही चीजें हैं क्या, कांस्टेंट, वो बदल नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो, यहाँ पर जो स्लोप है वो, और यहाँ पर जो स्लोप है वो, ये तीनों ही जगह पर जो स्लोप है वो क्या है, सेम है, ए बी सी, स्लोप एट ए इज सेम एट स्लोप एट बी इज सेम एट स्लोप एट सी, एट सी। इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन जो है
एक्सेलरेशन एट ए, एक्सेलरेशन एट बी एंड एक्सेलरेशन एट टी सी सेम है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यही कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा? जब बॉडी की वेलोसिटी जो है वो बदल तो रही है, लेकिन इस तरह से हो, ग्राफ हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ना होकर के ग्राफ अगर इस तरह से हो तो स्लोप हर एक पॉइंट पे बदलता रहेगा। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये जो है स्लोप लगातार क्या होगा? बदलता रहेगा, है ना? तो लगातार स्लोप बदल रहा है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो कर्व है वो अलग अलग होगा। स्लोप यहाँ पर स्लोप कुछ और होगा, यहाँ पर स्लोप कुछ और होगा अगर टेंजेंट खींचेंगे तो, और यहाँ पे स्लोप कुछ और होगा। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसा हो, इसमें हर एक पॉइंट पे स्लोप जो है वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। ये पॉइंट ए मान ले, ये बी मान ले, ये सी मान ले, ये डी मान ले, तो ये क्या है कि स्लोप जो है लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ स्लोप एट ए इज लेस देन स्लोप एट बी, इज लेस देन स्लोप एट सी, इज लेस देन स्लोप एट डी। इसका मतलब एक्सेलरेशन एट ए इज लेस देन एक्सेलरेशन एट बी इज लेस देन एक्सेलरेशन एट सी होगा। स्लोप किसी भी पॉइंट पर किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप, इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं। अगर सेम ही डायरेक्शन में चल रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है, यानी कभी तेज कर दें, जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्टार्ट किया तो थोड़ा धीरे धीरे चला, फिर उसके बाद तेज कर लिया, फिर आप और तेज कर लिया, और तेज कर लिया, तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप तेज करते जा रहे हैं तो उसका ग्राफ ऐसा होगा। तो इस प्रकार से आपको कुछ ग्राफ बता दिया थोड़े से काम के। आप 11th क्लास में जाओगे तो बहुत सारा इसमें ग्राफ बताए जा सकते हैं, लेकिन हमने बहुत ज्यादा बता के आपका दिमाग खराब नहीं करना। अभी अभी 11th क्लास में जाओगे तो उस क्लास की सीखना, 9th क्लास के फाउंडेशन लेवल तक के लिए जो स्कूल का काम भी चल जाए और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, वहां तक जानने के लिए हमने काफी कुछ बता दिया। इतना चीज सीख जाओगे तो बहुत है। ये सीखना था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और स्पीड टाइम ग्राफ में सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप जो है वो उस पॉइंट पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये सब आप सीख गए हैं, उम्मीद है कि खूब अच्छी तरह से सीखे होंगे। अगली बार फिर मिलते हैं, और मिलते हैं तो कुछ नई बात करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए एंजॉय करो, मस्त रहो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना भी मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना, ठीक है? ये सब काम करते रहना ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम कोई वीडियो डालें, ठीक है? थैंक यू।